कोरोना संकट के बीच दुनिया के कई देशों से भारत मदद पहुंचनी शुरू हो गई है। आज अमेरिकी मदद की पहली खेप भारत पहुंचने वाली है। दिल्ली में ऑक्सीजन की कमी को लेकर आज हाईकोर्ट से अहम सुनवाई होने वाली है। ऑक्सीजन संकट से जुड़ी खबरों के लिए देखते हैं टॉप 9 सांस की आस। कोरोना संकट से निपटने के लिए अमेरिकी मदद की पहली खेप आज भारत पहुंचने वाली है। अमेरिकी वायुसेना का C-5M सुपर गैलेक्सी और C-17 ग्लोब मास्टर विमान, ऑक्सीजन सिलेंडर, रेगुलेटर, रैपिड डायग्नोस्टिक किट, N95 मास्क और प्लस ऑक्सीमीटर लेकर भारत के लिए उड़ान भर चुका है। भारत में ऑक्सीजन के ट्रांसपोर्टेशन के लिए कंटेनर की कमी को दूर करने के लिए विदेशों से क्रायोजेनिक ऑक्सीजन टैंकर मंगाए जा रहे हैं। सिंगापुर से कल वायुसेना के C-17 विमान से 3 खाली टैंकर पश्चिम बंगाल के पानागढ़ लाए गए। इसी के साथ 6 खाली टैंकर दुबई और 3 टैंकर बैंकॉक से मंगाए गए हैं। इन खाली टैंकरों के जरिए ऑक्सीजन को एक राज्य से दूसरे राज्य में पहुंचाया जाएगा। दिल्ली के अस्पतालों में ऑक्सीजन की कमी को लेकर आज दिल्ली हाई कोर्ट में अहम सुनवाई होनी है। कोर्ट ने सभी ऑक्सीजन सप्लायर को नोटिस जारी कर अदालत में मौजूद रहने को कहा है। दिल्ली सरकार ने कल कोर्ट में बताया कि कई राज्यों को उनकी मांग से ज्यादा ऑक्सीजन सप्लाई की जा रही है। कोर्ट ने कहा कि दिल्ली की हालात ये है कि वहां ना तो दवाई है और ना ही डॉक्टर। दिल्ली के डिप्टी सीएम मनीष सिसोदिया ने केंद्रीय मंत्री पीयूष गोयल को चिट्ठी लिखकर दिल्ली का ऑक्सीजन का कोटा बढ़ाने की अपील की है। राज्यों को बढ़ाए गए कोटा का डेटा के साथ सिसोदिया ने दिल्ली का कोटा 490 मीट्रिक टन से बढ़ाकर 976 मीट्रिक टन करने की मांग की है। चिट्ठी में कहा गया है कि पिछली बार जो कोटा बढ़ाया गया वो 10 दिन में एक बार भी दिल्ली को नहीं मिला। महाराष्ट्र में कोरोना मरीजों के लिए ऑक्सीजन की कमी नहीं होने देने के लिए मुख्यमंत्री उद्धव ठाकरे सभी जिलों में तुरंत ऑक्सीजन प्लांट लगाने के निर्देश दिए हैं। कल सभी जिलाधिकारियों के साथ बैठक में सीएम उद्धव ठाकरे ने कहा कि हमें आगे की तैयारी अभी से करनी है। उन्होंने सभी जिलों में जरूरी दवाओं का भी पर्याप्त स्टॉक रखने को कहा है। IIT बॉम्बे देश में कोरोना मरीजों के लिए ऑक्सीजन बनाने के बड़े प्लान पर काम कर रहा है। IIT बॉम्बे ने एक नाइट्रोजन इकाई को ऑक्सीजन उत्पादन इकाई में बदलने का तरीका ढूंढ निकाला है। संस्थान की ओर से जारी बयान में कहा गया है कि शुरुआती परीक्षणों का नतीजा उम्मीद के मुताबिक आए हैं। भारत में ऐसे कई प्लांट हैं जहां इस प्रयोग को आजमाया जा सकता है। कोरोना पॉजिटिव होने के बावजूद राजस्थान के सीएम अशोक गहलोत वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के जरिए अधिकारियों के साथ बैठक हालात की समीक्षा कर रहे हैं। गहलोत ने कोरोना मरीजों के लिए ऑक्सीजन की कमी को दूर करने के लिए मेडिकल ऑक्सीजन निर्माता उद्योगों के लिए विशेष पैकेज की घोषणा की है। इसके तहत 1 करोड़ रुपए का निवेश कर 30 सितंबर तक उत्पादन शुरू करना जरूरी होगा। कोरोना मरीजों के लिए रेमडेसिविर इंजेक्शन की कई गुना मांग बढ़ने का फायदा कुछ लोग इंसानियत को बेचकर उठा रहे हैं। दिल्ली पुलिस के क्राइम ब्रांच ने उत्तराखंड के कोटद्वार में नकली रेमडेसिविर इंजेक्शन बनाने की दवा कंपनी का भंडाफोड़ किया है। 7 लोगों को गिरफ्तार किया गया है। ये गिरोह नकली इंजेक्शन 25,000 में बेचते थे। यहां से रेमडेसिविर के 196 नकली इंजेक्शन बरामद किए गए। फिक्र आपकी सोमवार से शुक्रवार रात 9 बजे सिर्फ TV9 भारत वर्ष पर।